स्वतंत्रता के बाद हमारे राष्ट्र निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती एक ऐसी शासन प्रणाली तैयार करना था जो भारत की विविधता का सम्मान करे, रचनात्मक रूप से देश का नेतृत्व करे। इन सभी स्वर्णिम सपनों का साकार रूप बनी हमारी लोकसभा। लोकसभा ने यह प्रमाणित किया कि स्वतंत्र भारत के लिए संसदीय शासन प्रणाली एक सुविचारित निर्णय था। ये पिछले कई दशकों से हर नागरिक का प्रतिनिधित्व कर रही है। लोकसभा ने यह भी सुनिश्चित किया है कि भारत के हर नागरिक को न्याय और सम्मान मिले। यहाँ शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और भोजन जैसी मूलभूत जरूरतों से लेकर तकनीक, सूचना और वित्त जैसे विषयों पर जिम्मेदारी से कानून बनाए गए। लोकसभा की बढ़ती उत्पादकता, सदन में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर बनाए गए कानून उस महान उद्देश्य की ओर सतत अग्रसर होने के प्रमाण है। बात बजट की करें तो स्वतंत्र भारत के पहले 171.15 करोड़ रुपए के बजट से लेकर इस वर्ष के बजट तक केंद्रीय बजट में हुई हजारों गुना वृद्धि। बदलते समय के साथ बदली सदन की प्रक्रियाएं, पर्यावरण को बचाने के लिए साल 2021 से सदन में पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया जाने लगा। वर्ष 2017 से रेल बजट का सामान्य बजट में विलय कर दिया गया। बजट में पहले सरकार के खर्चों को दो वर्गों में बांटा जाता था, योजनागत खर्च और गैर योजनागत खर्च, परंतु वर्ष 2017 के बाद से इस वर्गीकरण को भी खत्म कर दिया गया। ये सब देश के सामूहिक विकास और सुदृढ़ लोकतंत्र के संकेत हैं।